हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रांचल बर्ड्स में। आज की वीडियो में जो हमने कॉलोनी बनाई थी उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका जो सिविल का स्ट्रक्चर था वो किस तरह से बनाया, मतलब ब्रिक वर्क या लेंटर किस तरह से डाला, वो हमने दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी डाल देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे। ये देखिए, हमने बुलाए हैं फैब्रिकेटर नईम भाई और इनसे हमने पहले भी केज से रिलेटेड काफ़ी काम करवाए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और प्लस जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से ये काम कर भी देते हैं, तो इसलिए हमने इन्हें बुलाया है। और जो हम इस स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंगल 25 mm का, जिसे हम एक इंच का एंगल भी कहते हैं। और ये देखिए कितनी बारीकी से ये डायगोनल भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो स्ट्रक्चर जो भी फैब्रिकेटर होते हैं वो लमसम बेसिस पे काम करते हैं कहीं पर, लेकिन ये जो है नईम भाई इनके अंदर परफेक्शन बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए किस तरह से पूरा डायगोनल चेक करके पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हम जो फ्रंट का जो फ्रेम है वो रेडी कर रहे हैं, फ्रेम में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक इंच डाया का एंगल यूज़ कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का MS का। तो जनरली क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइक है प्राइस में, तो जो लोहे के प्राइस हैं, जो आयरन के प्राइजेज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो और हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और देखिए इसमें सपोर्ट में बीच में हम जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं पत्ती, लोहे की पत्ती है। लोहे की पत्ती भी हम 3 mm थिकनेस की नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं 5 mm थिकनेस की, क्योंकि अगर हम हल्की लगाएंगे तो उसमें भी वो लूजनेस आएंगी और वाइब्रेशंस आएंगे और मजबूती थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि हम मजबूती का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं जो भी इन्वेस्ट करें वो वन एट अ टाइम करें, मतलब एक ही बार इन्वेस्ट हो, ये नहीं कि बाद में उसकी मरम्मत करानी पड़े। और ये देखिए नईम भाई अब नाप रहे हैं इसका पार्टीशन और अब ये ले जा रहे हैं फ्रेम, पहले चेक करेंगे क्योंकि पहले फ्रेम रेडी कर लेते हैं उसके बाद फिटमेंट चेक करते हैं कि पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जाली लगा दी और उसके बाद कटिंग करनी पड़े। नाप मेजरमेंट तो लिए लेकिन एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा सिविल वाला स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है पूरा, प्लास्टर वगैरह हो गया उसमें और उसमें जो पेंटिंग है वो हम स्ट्रक्चर वर्क के बाद करेंगे। और ये देखिए उन्होंने नाप लिया है, अब परफेक्ट आया है। इसके बाद अब इसमें जाए फिट करने जा रहे हैं स्क्वायर ब्लॉक वाली जाली, आधा इंची गैप वाली। ये किसी भी आपको लोहे की दुकान पर या फिर हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी, जहाँ पर फैब्रिकेशन का सामान मिलता है, जहाँ पे एंगल चैनल स्क्वायर पाइप या वगैरह वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर स्क्वायर ब्लॉक वाली जाली मिल जाती है। ये GI कोटेड होती है और जनरली ये आप जो यूज़ होती है आजकल ये पोल्ट्री फार्म में यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इसलिए हार्डवेयर की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप बंडल्स वगैरह लेंगे तो आपको पर केजी का रेट मिल जाएगा। ये जो मेरे को मिली है वो मिली है 115 रुपये पर केजी, क्योंकि मैं बंडल के हिसाब से ले आया था। स्क्वायर फिट पे आप जाएंगे तो उसका तो कोई रेट ही नहीं है, क्योंकि वो शॉप टू शॉप वेरी करता है और तकरीबन 20 से 25 रुपये स्क्वायर फिट तक मिल जाती है। पहले अमूमन 15 रुपये स्क्वायर फिट मिल जाती थी, लेकिन आजकल जो रेट्स हैं वो ज़्यादा काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब स्क्वायर ब्लॉक वाली जाली परचेज़ की थी तो वो 80 से 85 रुपीज़ पर केजी परचेज़ की थी, लेकिन जब केजीज़ में ही रेट बढ़ गए हैं, आप देखिए 115 रुपये पर स्क्वायर पर केजी के हिसाब से मेरे को मिली है ये। और ये देखिए हमने बनाए हैं इसके वेंटिलेटर, जो हमने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 1x3 का वेंटिलेटर यूज बनाए हमने। और ये है पार्टीशंस व पार्टीशंस पोर्शन, और इसमें ये देखिए हमने जो लगा रहे हैं दरवाज़ा, जो दरवाजे का साइज़ है वो हमने 22 इंच चौड़ाई रखी है, मतलब पूरा 2 फिट से थोड़ा सा कम रखा है, कम क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा छोटा ही हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि अगर आप एंट्री करते हैं तो बर्ड्स के उड़ने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। और जो भी आप डोर रखें वो हाफ पोर्शन में रखें, इतना रखें कि आप घुस जाएं, क्योंकि बार बार तो आपको जाना होता नहीं अंदर, आपको कभी भी या तो बच्चे चेक करने हों या फिर मटकियाँ लगाना हो या मटकी साफ़ करना हो, उसके लिए भी एंट्री करनी होती है केवल आपको। और क्योंकि फीडिंग के लिए हमने अलग से छोटा डोर बनाया है कि अगर खाना वगैरह देना है तो मैक्सिमम वही खुलता है डेली, लेकिन हफ्ते 15 दिन में ये साइड वाला डोर ओपन करना पड़ता है। तो जो हमने कॉलोनी है वो हम 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करते रहे हैं, हमारी जो भी प्रेजेंट में जो प्लानिंग है उसके हिसाब से हम 1 पोर्शन में लबर्स रखेंगे और जो दूसरा पोर्शन है उसमें हम रखेंगे कॉकटेल्स। हमें कॉकटेल्स और लबर्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि अब हम कॉलोनी बना रहे हैं तो हमें चाहते हैं कि कम से कम अच्छे पेयर हमारे पास हो। और ये देखिए हम वेंटिलेटर्स जो था वो रेडी हो गया है, इसे हम फिट कर रहे हैं और देखिए आराम से फिटमेंट कर रहे हैं।
उसके बाद इसे हम अंदर से कील से जो पत्ती लगा रखी है अंदर से इसको ग्रूव भी कर देंगे जिससे ये बाहर निकले भी ना। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो हमारा वेंटिलेटर है ये लग चुके हैं। कॉलोनी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारा चैनल उत्तरांचल बर्ड्स फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो हमारे चैनल उत्तरांचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें। उससे होगा ये कि जब भी हम कोई भी वीडियो या फिर पोस्ट या फिर स्टोरी डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले। ये देखिए हमने फीडिंग डोर्स बनाए हैं। फीडिंग डोर्स की जो मेज़रमेंट है वो जिसकी लंबाई है वो हमने रखी है 1 फीट, मतलब 1 फीट वर्किंग एरिया, मतलब अंदर से, मतलब क्योंकि लगभग हम लोग कोई इतना कुछ कभी सॉफ्ट फूड एक प्लेट्स वगैरह से देते हैं तो उसको उसका जो डाया होता है लगभग 1 फीट होता है, तो हमने 1 फीट से आधा इंच करीब एक्स्ट्रा कर लिए, लगभग 12.5 इंच कर लिए। और जो हाइट है वो रखी है हमने 9 इंच। और ये देखिए हम इक्वल पार्टीशंस में हमने पार्टीशन डाल दिया है। और दूसरी कॉलोनी में जो डोर है हमने वो हमने अंदर से रखा है। अंदर से रखने की वजह ये है क्योंकि जो बाहर से है वो बर्ड्स आपको क्लियर दिखें, जब हम देखने आते हैं बर्ड्स को उसको अच्छे से दिखती हैं और उनकी वीडियोस शूट करने में किसी बार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसीलिए हमने एक डोर, हमने नीम का पेड़ है इसके बैक साइड इसके बराबर से लगाया है और इस कॉलोनी से जाके दूसरी कॉलोनी में अंदर एंट्री करेंगे। क्योंकि अगर हम बाहर लगा देते तो होता ये है कि मैक्सिमम जो एरिया है वो डोर से ही कवर हो जाता और उतनी ज़्यादा अच्छी लुक आता नहीं है। क्योंकि अब आपके लिए हम लोग वीडियोस टाइम टू टाइम लाते हैं तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी की और अच्छे फॉर्मेट में आपके लिए वीडियो लेकर आए। और इतना आपने हमें प्यार दिया, आज हम 50,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, हमारी जो फैमिली है 50,000 से ऊपर हो गई है। इस सब के लिए मैं अपनी पूरी टीम उत्तरांचल बर्ड्स की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमें 1 लाख के पार पहुँचाएँगे और हमें सिल्वर प्ले बटन ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए अब हमारा जो फ्रेम है पूरा हमने फ्रंट में लगा दिया है। इसको फिक्स करने के लिए हमने इसमें क्लिट्स लगाई है, मतलब पत्ती लगा के फिर उसे साइड से हम लोग गुलमेक वगैरह या ड्रिल करके इसे हम इसके जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसमें फ़िट कर दिया है। तो ये हमने परमानेंट कॉलोनी बनाई थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो अपने साथ वालों को के साथ या फिर जो भी आपके बर्ड्स लवर आपके नॉलेज में हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। हमारी जो टीम है उत्तरांचल बर्ड्स की वो पूरी कोशिश करती है आपके जवाब देने की। अब देखिए हमने स्टार्ट कर दिया है पेंटिंग वर्क। तो फिलहाल मैंने जो अंदर पेंटिंग का सोचा है वो सोचा है प्योर वाइट, जो लास्ट में देख रहे होंगे आप, क्योंकि हमारी ये एग्जिस्टिंग वॉल है पीछे वाली, इसमें हमने कर रखा है आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लास्ट वाली वॉल है उसे में भी मैं कर दूँ प्योर वाइट, क्योंकि डार्क कलर के ऊपर जो लाइट कलर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 कोट या 5 कोट जितने भी कोट लगे उसमें ये वाइट कलर आ जाए। तो ये देखिए हमने जो वाइट वॉश है ये हमने प्राइमर यूज़ कर रहे हैं बेस कोट में, ये एक्सटीरियर प्राइमर है वाइट कलर में। तो अभी देखिए प्राइमर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बाहर, और अंदर वाली वॉल पहले मैं सोचा था कि ऑरेंज ही छोड़ देंगे, लेकिन अब देख के लग रहा है कि अंदर भी वाइट होना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट होगा तो बर्ड्स आप जो हम वीडियो शूट करेंगे वो अच्छी कवर होगी और जो भी कोई देखेगा उसे भी वीडियो अच्छी लगेगी। ये देखिए अंदर हमने सामने वाली वॉल में कर दिया प्योर वाइट और कंट्रास्ट के तौर पे हमने जो बाहर पेंट करा है इसकी बॉडी पे, जो इससे स्ट्रक्चर पे, वो करा है हमने पैरेट ग्रीन। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कलर आपको कैसा लगा, या फिर हमें और कोई कलर करवाना चाहिए था तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए हमारे टीम के टीम मेंबर आमिर आ गए हैं, हमने कहा चलिए आ जाइए आप फ्रेंड, थंबनेल में आपका फ़ोटो तो ज़रूरी बनता है। तो ये देखिए, और अब हम करने जा रहे हैं जाली पे कलर, ब्लैक कर रहे हैं क्योंकि हमने वाइट पिछली बार किया था तो आँखें चौंध जाने लगती हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे और कॉलोनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अगली वीडियो जब भी हम लाएंगे, जब बर्ड छोड़ेंगे उसके ऊपर भी ज़रूर कवरेंगे। चलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।